स्टीव जॉब्स 1974 में इंडिया के एक आश्रम में आते हैं और वहां से एप्पल नाम अपनी कंपनी के लिए फाइनलाइज करते हैं। वहीं सेम आश्रम में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी आते हैं सितंबर 2015 में, और वो तब आते हैं जब उनकी कंपनी जो है वो काफ़ी टफ टाइम फेस कर रही होती है। इतना ही नहीं, एक ऑस्कर विनर हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स भी हिंदुइज्म में इंटरेस्ट तब लेने लगती है जब उन्हें एक फोटो दिखती है जिसमें एक बाबा का पिक्चर था और वो इंसान थे नीम करोली बाबा। Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. Steve Jobs इतना ज़्यादा impressed थे नीम करोली बाबा से कि उनकी death के time पर भी उनके पास बाबा जी का photo था। नीम करोली बाबा को miracle बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि उनके पास काफी सारी powers या फिर सिद्धिज थी। वो एक ही time पे दो जगह पे physically available हो सकते थे। Even उनके एक touch से अपने डिसाइपल्स को वो समाधि के स्टेट में भी ले जा सकते थे। उनका रियल नाम लक्ष्मण दास था। एक बार वो बिना टिकट के ट्रेन में बैठ जाते हैं ईयर 1958 में। कंडक्टर बाबा को ट्रेन में से फोर्सफुली बाहर निकाल देते हैं और एक विलेज में ड्रॉप कर देते हैं। उस विलेज का नाम था नीम करोली, जो कि आया है फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। फॉर सम रीजन जैसे ही बाबा को ड्रॉप किया गया ट्रेन से, ट्रेन रुक जाती है और किसी प्रकार के टेक्निकल इश्यू की वजह से चालू नहीं हो पाती। उतने में कोई पैसेंजर आके सजेस्ट करता है टिकट चेकर को कि बाबा को फिर से ट्रेन में बिठा दो। एंड गेस व्हाट, जैसे ही बाबा को फिर से अलाउ किया जाता है ट्रेन में, ट्रेन नॉर्मली जैसी थी वैसी हो जाती है और चालू हो जाती है। इसी इंसिडेंट्स के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आपको पॉपुलर साइट्स पर मिल जाएंगे, लेकिन अगेन कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है इस चीज का। एक बार बाबा को एक ओपनिंग सेरेमनी में जाना होता है कानपुर के नजदीक पानकी नाम के एक प्लेस पे, लेकिन उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो पूरे दिन आराम करेंगे अलाहाबाद में ही। वो अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें बाहर से लॉक कर दिया जाता है फॉर सम रीजन। नेक्स्ट डे पता चलता है कि बाबा ने पंकी में ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड किया था और काफी सारे लोग इस पर्टिकुलर अटेंडेंस से खुश हो गए थे और उन्होंने थैंक्स भी किया था। और ऐसे ही वो एक टाइम पे दो अलग अलग प्लेसेस पे अवेलेबल थे, लेकिन फिर से ये सारी चीज़ें आपको पॉपुलर साइट्स पे आर्टिकल के फॉर्म में तो मिल जाएगी, लेकिन इसके भी कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था जब न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था। होता भी था तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता था और लोकल लैंग्वेज में इतना ज़्यादा, शायद से ये एक रीज़न हो सकता है कि इसके किसी भी प्रकार के कोई विटनेसेस अवेलेबल नहीं है जिनके इंटरव्यूज हो पाए हो या फिर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल का प्रूफ नहीं है। उन्होंने दो साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनेंगे, जबकि जवाहरलाल नेहरू काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे उस टाइम पर। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और ऐसे ही कई सारे बड़े नाम नीम करोली बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। जब इतने सारे बड़े लोग अपने टफ टाइम में उनसे मिले थे और उनकी लाइफ जो है पूरी पूरी चेंज हो गई, क्योंकि आप देखो फेसबुक और एप्पल आज कहाँ पे है। तो इतने बड़े लोग इस बाबा के ऊपर ट्रस्ट करते थे, तो आई थिंक उनके पास कुछ ना कुछ पावर तो थी, क्योंकि इनसे मिलने के बाद सबकी लाइफ चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल हॉलीवुड स्टार को एक ऑस्कर अवार्ड मिल गया। एप्पल और फेसबुक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनीज है। एंड दैट्स इट फॉर माय टुडेज वीडियो। आई होप यू लव्ड इट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।